मैं उल्टी हूँ जल के अंदर, ऐसे तू भी नौ, ये नौ दरवाजा से दसवें पे पहुंच जा, तू भी ऊपर को उल्ट जा। ऊपर कैसे उल्टे है? क्यों कि हमारे अंदर नौ दरवाजा और ही नौ दरवाजा पुरुषा है, कान आंख नाक मुंह मूल द्वार और मूत्र द्वार है, ये नौ दरवाजा है, इन पे तो ताल खड़ा हुआ है। सुन ले मेरी बात को, और मछली जिस दसवें दरवाजा पे पहुंच जाए, और दसवें जैसे तेरह गड़ा में से पात्र रहता है, पात्र रहता है, और ऐसे तेरे दसवें दरवाजा पे ये वाह खुल जाता है, वह घट खुल जाता है, तो दसवें रोके तेरी सुत्ता आगे निकल जाते, सुत्ता का माध्यम से परमात्मा को आत्मा पाई लेती है, आत्मा परमात्मा पालेगी, यही घर में, यही तन में, यही मंदिर में, यही में कमरा में, यही में परमात्मा है, यही में आत्मा है, यही में सुत्ता है, यही में मन है, यही में सब कुछ है। हे तो उड़ा के धक्का करो महाराज जी, मछली के खेने से और मछली का संकेत से और धक्का करो वहां बैठ जाता है, पर बैठकर के मछली जब फेरी है ऐसे कैसे उल्टी है, बुरा मत माने। और ध्यान लगी बात है कि हमारे अंदर दो कमल, कमल तो कितने हैं, आठ कमल है हमारे अंदर, कितना कमल है, आठ। परमात्मा ने जैसे मूलधार पे गणेश जी का कमल है, मूत्र द्वार पे ब्रह्मा जी का है, नाभि पे विष्णु भगवान का है परमात्मा ने, और हमारे जैसे भगवान ने हृदय पे भगवान शंकर का कमल है बारह पंखड़ी का, यह रहेगा आठ पंखड़ी का, वह रहेगा छह पंखड़ी का, वह रहेगा चार पंखड़ी का परमात्मा ने, और फिर हमारे यहाँ गला है या जी, जी का कमल है, जी का कमल है यहाँ, या को कोई बिल्ला जानता है, सब नहीं जानते हैं, या भी फिर दादा दर्श बात करने जो मैंने अनुभव किया बैठ करके, हर बात का अनुभव जो कर है रोड पे बैठ बैठ के, उसको ये सौदा मिला है, तो उड़ा के यहाँ यहाँ कंठ पे पांचू है, और यहाँ जैसे सरस्वती देवी का है, टैग होगा, टैग होगा छह हो गया, और यह त्रिकुटी पे है, दो पंखड़ी का कमल, सफेद कमल है, सफेद है ना कमल, यहाँ सात हो गया, और आठू यहाँ है, यह श्रेष्ठ धन कमल है। सुन लो मेरी बात को, ध्यान करने की बात है, हाँ जैसे वर्तमान सबको समझा रहा हूँ, और मैं बिना पढ़ा हूँ, कोई जानता है रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, या कोई जानता होगा यहाँ घर में किताब लाके पढ़ता होगा, ये किताब में सुधा नहीं है, ये भी ध्यान कर लो, ये तो अनुभव का ज्ञान है, अनुभव कर रहा है उसका ज्ञान है, जान लो। मेरा कहना है जैसे अभी कोई बैठ जाओ पीछे कर लो, अब मैं आपकी आनंद की बात कर रही हूँ, जैसे उठा करके अब हमारे यह दरबार है, क्यों अभी मूल कमल चार पंखड़ी का, चार दिशा को होती है चारों पंखड़ी कमल है ना, और इनकी भक्ति अलग अलग है, चारों की भक्ति अलग अलग है, पंजे से दो खुल जाएगा कौन सा, मूल द्वार का, मूल द्वार और नाभि द्वार, ये दोनों कमल सुलटा हो जाते हैं, दोनों कमल सुलटा हो जाते हैं, और दोनों कमल जब जाके क्या है कि नाभि कमल खुल जाता है, तो सुपना द्वार भी खुल जाएगा, यह भी खुल जाएगा। अब इनको कौन खुलाएगा, जानेगा ये खुलाएगा, पहला नाभि कमल खुलेगा, नाभि कमल कुंडली खुल जाएगी, जो यह कुंडली है और यह कुंड है, यह कुंडली है और यह कुंड है, देख लो मेरा कहना है। तो मूल द्वार पे कमल है, यह कैसे खुलता है, कैसे जागृत होता है, कैसे सुलटा होता है, कैसे सुलटा होता है, और कैसे सुलटा होकर के और कैसे द्वार खुलता है, और जब फिर इस द्वार खुल भी जाएगा परम मानो, फिर नाभि द्वार कमल है, पर इसको भी सुलटा कैसे कराया जाएगा, ये गुरु बताएगा बेटा के दावादार कह रहा हूँ, कोई भाई में संशय हो तो प्रेम